नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। सावन माह के विशेष दिनों में भगवान शिव का विविध रूपों में श्रृंगार होता है और इन दिनों में शिव भक्त उपवास रखकर शिव आराधना में लीन रहते हैं। साथ ही इसी माह में कांवड़ यात्रा का दौर भी शुरू होता है। सावन के पूरे माह लोग शिव आराधना में लीन रहेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसी माह भगवान विष्णु के योग निद्रा में लीन होने के बाद शिव जगत के कल्याण के लिए जागृत मुद्रा में आ जाते हैं। सावन मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। शिवजी की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। विशेष वस्तुओं से पूजा करने पर विभिन्न फल प्राप्त होते हैं। यदि सूर्य से संबंधित बाधा है तो विधिवत या पंचोपचार के बाद लाल पुष्प एवं पत्तों से शिव की पूजा करने से लाभ होता है। यदि जातक को चंद्र बाधा है तो प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें, साथ ही सोमवार का व्रत भी करें। मंगल से संबंधित बाधाओं के निवारण के लिए गिलोय की जड़ी बूटी के रस से शिव का अभिषेक करना लाभप्रद रहता है। जिन जातकों को बुध संबंधी परेशानी हो वे उसे दूर करने के लिए विधारा की जड़ी के रस से शिव का अभिषेक करें तो आशातीत लाभ होता है। बृहस्पति से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्दी मिश्रण दूध शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यदि जातक अपने शुक्र ग्रह को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पंचामृत एवं घृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। शनि बाधा से पीड़ित जातकों को बाधा निवारण के लिए गन्ने के रस एवं छाछ से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार राहु केतु से मुक्ति के लिए कुश को जल में मिलाकर शिव का अभिषेक करने से लाभ होगा। इस तरह अगर आपके जीवन में भी ग्रह बाधा है तो इन उपायों को करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।